तब तक गाना लिखा ही नहीं जाएगा, स्क्रिप्ट ही नहीं बनेगी, तो मतलब गाना कैसे आ जाएगा। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस गाने के लिरिक्स। तो सर बताइए कैसा लगा आपको ये गाना, वीडियो देख के कैसा लगा पहले तो ये बताइए। फर्स्टली तो KRTN न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत थैंक्स कि जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है। और गाना तो जहाँ मैंने सुना है अभी देखा है, मेरा व्यूज यह है कि मतलब अमेजिंग, बहुत ही अच्छा गाना बना है। और मैं आपकी ऑडियंस से भी यही गुजारिश करूँगा कि इस गाने को सुने और अपने अपने व्यूज़ कमेंट के द्वारा दें कि कैसा लगा गाना। क्योंकि हम जो भी लिखते हैं, हम तो एक पेंसिल का स्केच बनाते हैं, उसके बाद कलर तो सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर या वीडियो डायरेक्टर उससे चार चांद लगा दिए। हमारे कुलदीप हंसी जो जहाँ के डुग्गर बेटा है, और संध्या मैम ने भी बहुत अच्छे से गाया है। तो यही उम्मीद करते हैं कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें, जितने प्यार से हमने बनाया है ऑडियंस भी उतने प्यार से इसको समेटे और आगे हमको हौसला अफजाई करें कि हम आगे भी अच्छा लिख सकें। जैसे आपने गाना लिखा तो क्यों, उस टाइम आपका क्या थॉट था कि गाने को कैसा बनना चाहिए? वैसा बना है बिल्कुल गाना जो आपने लिखने से पहले सोचा कि हाँ गाना ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली मैम हम ये कोशिश कहते हैं कि एक राइटर की कोशिश ये होती है कि दूसरे की मन की बात जाने कि जो आजकल घरों में हो रहा है, तो हम उसको सीरियस ना लेके उसका एक इंटरटेनमेंट करें। क्योंकि विवादों लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ नोकझोंक भी होती है। तो इस गाने में यही दिखाया गया कि अगर हल्की फुल्की उनकी नोकझोंक हो रही है तो लास्ट में एक दूसरे के बिना वो रह भी नहीं पा रहे हैं। लास्ट कड़ी में मैंने लिखा भी है ये चीज़ कि भाई वो उसके बिना रह भी नहीं पाता है, तो वो अपनी सारी उसको गिल्टी फील होती है, तो दोनों फिर प्यार से रहते हैं। यही मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि सबको प्यार से रहना चाहिए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करें, खुश रहें, यही हमारी कोशिश है। डोमेस्टिक वायलेंस का काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हंसी मजाक के जरिए, लेकिन एक मैसेज दिया गया है, तो कहीं आपने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में ये चीज़? ऐसा तो नहीं है मैम कि देखो राइटर की एक तो समथिंग गॉड गिफ्टेड होती हैं, क्योंकि ये राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपकी इमेजिनेशन पावर है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो। तो अब बाकी कल्चर है, हमें हर जगह से जो अब यहाँ पे आए हैं तो कोई ना कोई चीज़ यहाँ से अडॉप्ट करके ले जाएंगे जो हमारे इन फ्यूचर काम आएगी। तो अगर अपने साथ भी कुछ चीज़ें तो अपने साथ भी घटित होती हैं, कुछ इधर उधर से समाज से मिल जाती हैं। जैसे हम जाते हैं किसी के यहाँ पे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। जी जी। कैसे सोचा आपने इस फील्ड में आने के लिए? इससे पहले आप क्या मतलब बचपन से ही आपको लगता था कि लिखना, स्कूल में लिखना, मुहावरे वगैरह लिखने शुरू किया, कैसे पोइम वगैरह लिखना शुरू किया, प्रोग्राम कैसे करना शुरू किया? मैम एक्चुअली शुरू से मैंने अपने पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यू में बताया हूँ कि मुझे ये शौक़ बचपन से था, परंतु मुझे उस समय इसकी ABCD पता नहीं होता कि गाना का स्थाई क्या होती है, अंतरा क्या होता है। तो मैंने 8th class में फर्स्ट सॉन्ग लिखा था, फिर मेरे मोहल्ले के एक सिंगर थे, मैंने उनको दिखाया। जब उनको लगा कि भाई अच्छा है, उन्होंने मेरे को एक अच्छा मोटिवेट किया, तो जो उनका मोटिवेट करना मेरे लिए एनर्जी एक बूस्ट करने का काम किया। फिर धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप जो लिखता गया, हिंदी से मैंने शुरू किया था, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, अभी फिल्में भी लिखी हैं आप लोगों की दुआ से। अगर चाहे तो सोचा इन फ्यूचर कुछ नया भी आए, बड़ा प्रोजेक्ट भी आए, तो लगे हैं अभी, बस जारी है। इसका सफ़र तो कम ख़त्म नहीं होता है, जितनी मेहनत करो इतना आगे और दिखता है। अच्छा, अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मैम अभी तो जैसे लोगों को तो अभी जानने लगे हैं, मैंने बताया कि ये अप्रॉक्स 87 से शुरू किया हुआ। अच्छा। हाँ जी, उस समय क्लास 8th में था मैं जब मैं फर्स्ट सॉन्ग लिखा था जी। फिर उसके बाद में मैं लिखता रहा, बीच में कुछ सरकमस्टेंस ऐसे आ गए, जॉब या घर की बीच में थोड़ा सा कम हो गया बीच में, बट ये नहीं कि छूट नहीं पाया। जो कुछ गॉड ने जो चीज़ डाली होती है ना, वो बंदे से मरती नहीं है, वो पनपती रहती धीरे धीरे। तो हमको उसको तराश के थोड़ा आगे लेना है, थोड़ा हम मेहनत करते हैं, कुछ गॉड ब्लेसेज जो होती हैं, कुछ आप लोगों की दुआ से फिर वो आगे समाज तक पहुँचती वो चीज़ें। जी जी जी, थैंक यू। सर सबसे पहले तो ये बताइए आपको गाना कैसा लगा? गाना बहुत अच्छा लगा, और गाने में खासकर जिस तरीके से हमारे यंग आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया है, और जो डोगरी कल्चर को जिस तरीके से प्रमोट हुआ है, कुछ ऐसी इसमें ग्लिम्सेज हैं कि जो हमारे सिर्फ डोगरा कम्युनिटी या जम्मू खित्ते में ही देखी जाती है। बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है इसको पसंद करेगी। अक्सर आपको देखा जाता है डोगरी को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सरदार भी रहते हैं, उनके लिए आप बात क्यों नहीं करते हैं? किसने कहा? हमने ये कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर जम्मू खित्ते की बात करते हैं, तो डोगरी जो है हमारी मेन माँ बोली है, उसके साथ बहन बोली है, कश्मीरी है, पंजाबी है। आपने सिर्फ 2-3 नाम लिए, यहाँ पर पोगली है, यहाँ पर सिराजी है, यहाँ पर पहाड़ी है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम उसको प्रमोट नहीं करते। नहीं, देखिए जो कश्मीरी पंडित 80% लोग हैं, 89-90 से जम्मू में हैं,
और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई ऐसे कश्मीरी पंडित फैमिली ज़्यादातर देखी है, हो सकता है मेरे से आपसे ज़्यादा अच्छी डोगरी बोलते हैं, और अगर पंजाबी की बात करते हैं, हिंदी में भी बात करता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश एज वेल, दैट इज़ नॉट एन इशू। इशू इज़ कि जैसे कश्मीरी पंडित की आपने बात की, पहाड़ीज की बात की, गोजरी में जब आप अपने परिवार में बैठे हैं तो आपकी प्रेफरेंस होती है अपनी माँ बोली की बात करें। सेम इज़ द केस, आई एम ए डोगरा और मेरे को अच्छा लगता है, फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने नौजवानों के साथ डोगरी में बात करूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप संस्कृत ना पढ़ो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप उर्दू ना पढ़ो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेज़ी एक अच्छी लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेज़ी से ऊपर वर्ल्ड ओवर में अगर बात करें तो फ्रेंच अंग्रेज़ी से भी ज़्यादा देशों में बोली जाती है, लेकिन अगर अपने खित्ते की बात करनी है, अपने कल्चर की बात करनी है, अपनी संस्कृति की बात करनी है, तो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि जो कौम अपनी मदर टंग को भूल जाए, आने वाले जो साल होंगे तो उस कौम को ही लोग भूल जाते हैं। अब जैसे कश्मीरी पंडित की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, कश्मीरी पंडित अगर शिमला में है, पुणे में है, लंदन में है, वो आपस में कश्मीरी बोलते हैं, तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं बींग ए डोगरा समझता हूँ कि मुझे 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 फ़ख्र होता है कि मैं डोगरी में बात करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कुलदीप हांजी की मम्मा है और वीडियो में संध्या जी की मम्मा बनी थी। तो आंटी जी बताइए, खाना नहीं लाते आप, कोई बात नहीं, आप बताइए कैसा लगा आपको काम करके? अच्छा लगता है। अच्छा लगा आपको? हाँ। की वीडियो में तो वैसे भी आती थी, तो वैसे ही आपका अवतार नजर आया कि आपने उनको मारा, तो रियल लाइफ में भी आप उनको मारती किसी वीडियो के लिए? जब छोटा था जल्ला चुन्नी कहा तो मार दी, मार खा मेरे को। वीडियो फिर होता ना इं दिखावा, इन्हें थोड़े मार खाता। इससे पहले जो उसकी वीडियो आई थी ना, उसमें भी वो संध्या को तंग कर रहा था, इसमें भी वो तंग कर रहा था। तो अब उसकी शादी होने वाली आने वाले सालों में, तो अपनी बहू जो क्या बोलते हैं, नू हो जाएगी, नू कैसे तंग करेगा? क्यों कैली करो इन तंग, नू नसी नहीं होती। अगर गलत करोगे तो डांटू डंडा भी लेके मारूंगा, दोनों ही मारूंगा अगर दोनों की गलती होगी तो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने उनको बोला था कि मेरे को उससे शादी करनी है, तो आपको मैं कैसी लगती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आप बहू के रूप में आपको कैसी लगती हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ उससे? मुझे नहीं पता इस बात, आपको नहीं पता? नहीं पता आपको? तो आप शादी कब करवा रहे हो? देखते हैं कब करवाएंगे। कब करवा? शादी थी ना घर पे आपकी, किसकी शादी थी? शादी इसके बड़े भाई की थी। बड़े भाई की थी, शादी कब है इसकी? लड़की नहीं मिल रही है। कब? लड़की नहीं अच्छी मिल रही है। क्यों? अच्छा, मतलब आपको डोगरी लड़की चाहिए? डोगरी लड़की चाहिए। अच्छा, मैं ना, जब सरदार बोलते सरदार ने 12 बजे देना तो उनका गुस्सा ही हो जाता। तुम गुस्सा करते हो? मैंने गुस्सा करती हूँ, कोई बात नहीं, सोचूंगी और लड़का ढूंढूंगी। ये थी कुलदीप हंस की मस्ती। जैसी हमें सीरियल इतना पसंद आया था ना, तो अब जब भी कहीं मिलते हैं ना, मैं इनको पकड़ लेती हूँ कि आप बाइट दो, है ना? तो बताइए ये गाना कैसा लगा? ये आपकी दीदी हैं, हमें पता है जैसे सबको, तो दीदी का गाना कैसा लगा? ये दूसरा गाना आया है, कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे पहले ही जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने तभी सुना था ये, तो मतलब मुझे तभी लग रहा था ये गाना हिट हो जाएगा। हमने देखा था ब्लॉग में आप थे, सही कुलदीप हंस की जो वीडियो उसके ब्लॉग में देखा था, आप वहीं थे? हाँ, मैं वहीं पर था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी गुड विशेज हैं दीदी के साथ और कुलदीप जी के साथ कि ये गाना हो और आगे बढ़े और इसके बाद और नया कोई प्रोजेक्ट आए और अच्छा चले। तो आपने मेरी वीडियो में कहा था कि आपका भजन आया, उसके बाद आपके गाने आएंगे, अब तो ब्रेक ही लग गई, कहाँ गायब हो गए आप? मैं एक्चुअली कुछ दूसरे काम में बिजी हूँ ना, तो आपके जो फ्रेंड हैं उनको मैंने बताया था कि मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, वो शुरू हो गया है, तो हाँ वहीं पर बिजी होता हूँ आजकल, तो अभी थोड़ा इस तरह भी टाइम दूंगा मैं थोड़े दिनों तक, जल्द ही कुछ नया लेके आएंगे। थैंक यू। एक दफा फिर से राहुल भैया भी हमें मिल चुके हैं, ऐसे तो मिलते नहीं है, यहीं पे प्रमोशंस पे ही मिलते हैं। बताइए सर कैसा लग रहा है आपको गाना, आपके बेस्ट फ्रेंड है ये? अरे मेरे मित्र, ये भी बेस्ट फ्रेंड है, आप भी बेस्ट फ्रेंड, और ये माइक भी बेस्ट फ्रेंड है, और जो पीछे कैमरे वो भी बेस्ट फ्रेंड है। और कुलदीप हंस की बात करें, ये एक ऐसे कलाकार है ना, मतलब आप आलू कह लो, टमाटर कह लो, जो हर सब्जी मिक्स हो जाता है, तो कुलदीप हंस भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाय प्रोफेशन टीचर भी हैं और बेहतरीन कलाकार भी हैं, लेकिन इनकी शिकायत है खासतौर पर मेरी दोस्त होने के नाते, अब तो मैं इनकी शादी में मित्री नहीं डाल सकता क्योंकि मित्री कवारे लोग डालते हैं, मैं शादी मेरी हो चुकी है तो, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपकी शादी हो गई है, ये तो जगह जगह बोलते रहते हैं कि मैं कुंवारा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा शादी शुदा हूँ लेकिन घर पे, बाहर मैं कुंवारा ही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब कुलदीप जी को लेता है ना सॉन्ग में, तो कम से कम इसको कभी देखो सॉन्ग में लाड़ी भाग जाती है,
चाय कोई नहीं पिलाता, नाराज होकर लाड़ी भाग जाती है। कभी धर्म पत्नी बनती है तो 30 सेकंड की, कभी लड़की के पीछे भाग करता है, पैड़ी है ना। पर फिर भी देखो अभी तक इनको एक लड़की पूरी नहीं मिल पाई पूरे सॉन्ग में। पूरी लड़की मैं हूँ ना, हाँ मतलब किसका है ये तुमको इंतजार। मम्मी भी ले आते मैं कल सीधी आ बात करेंगे। मना कर दिया इसकी मम्मा ने, मना कर दिया, कहते सरदार लड़की नहीं चाहिए, सरदार लड़की नहीं चाहिए, हिंदू लड़की चाहिए। यार कुड़ी तो कुड़ी होती है, ऐसी गल नहीं है। मम्मी ने नहीं बोला, अपने को लगा लगना। आप थोड़ी सी हाँ करो, हम थोड़े से फेरे भी ले लेते हैं। मतलब ये मैं तो शादी होता ये ले सकते फेरे, क्योंकि तैयारियां मतलब इतने कर ला चे ओम मंगलम मंगलम। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पक्का। लेकिन आपको इशू नहीं है क्योंकि संयम पंडू भी तो वो भी तो लाइन में लगे हैं। अच्छा मतलब ये देखो ये देखो ये कह रही मैं इधर चली या उधर चली, ये आपसे भी मतलब दोनों के दोस्त हो ना, आप बताओ किसके साथ करूँ। देखो मैं कहता हूँ इन दोनों को छोड़ो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए वो घर वाली है ना, तो आप बाहर वाली घर वाली बन जाओगे, तो मतलब दो शादियाँ तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन कलाकार हैं, ढेर सारा सॉन्ग, इस सॉन्ग को जो है प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, और डुग्गर का बेटा कुलदीप हंस हमेशा आपको इस तरह हंसाते रहें, इनको ढेर सारा प्यार दीजिए, काफ़ी मज़ा आता है जब भी इनके पास जाते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ पर्सन है। आज तक कभी मैंने कुलदीप हंस को नहीं देखा कि इसमें बड़ी स्टार वाली फीलिंग आ गई हो, कभी ईगोस्टिक होकर घूम रहा हो, नेवर एवर, मतलब बड़ा डाउन टू अर्थ है। और ऐसे ही इंसान को रहना चाहिए, जितनी बुलंदी में पहुंचे उतना मतलब ज़मीन पर रहना चाहिए, और वो क्वालिटी इसमें भरी भरी है। पता नहीं फिर भी कुड़ी की नहीं लब्भा दी है ब्यास दे, बट मूड़ा बड़ा काम दा ये गल है। नहीं ऐसा नहीं है, संयम तो मैं कहता हूँ अंडर द ग्राउंड है, ये तो डाउन टू अर्थ है, वो अंडर द अर्थ है। और खैर जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारा एक सॉन्ग आया था साडा डुगर देश, उसमें कुलदीप हंस जी थे, बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, इस 15 अगस्त को भी हम एक नया देशभक्ति का सॉन्ग लेकर आएंगे, कोशिश हमारी पूरी पूरी है। लेकिन इस गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, इनकी पूरी टीम को ढेर सारा प्यार दीजिए, और राज्य के शेयर कीजिए, और अपने पॉजिटिव रिव्यूज जरूर दीजिए। आप रिव्यूज़ निकाल सकते हो, कमेंट हाँ करना आपका अधिकार है, लेकिन रिव्यूज़ जरूर बताइए कि गाने में आपकी नज़र के हिसाब से और बेहतर क्या हो सकता था। पहले तो संयम पंडू की आधी वीडियो में तो आप भी बन जाते हो लड़की, अब जो गाना रिलीज करा उसमें मेरा 2 सेकंड का रोल रख लेना। जी बिल्कुल, आपको मैं कहता हूँ पूरा पूरा रोल रख लेंगे मैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पूरी लड़की रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, और इस सॉन्ग को सपोर्ट करो, डुगर दा बेटा कुलदीप हंस को सपोर्ट करो, उनकी पूरी टीम को सपोर्ट करो, बेहतरीन सॉन्ग है, और उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के गाने हमें और भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।